नाजरीन, पूरी दुनिया में वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत बात होती है और हम भी अपने चैनल पे वुमेन एम्पावरमेंट या औरतों के हकूक पे काफ़ी दफ़ा वीडियो बना चुके हैं, लेकिन ये हकूक वो नहीं जिसमें कहा जाए मेरा जिस्म मेरी मर्जी, बल्कि एक लड़की को अच्छी तालीम मिल सके, वो अपने मुस्तकबिल के फैसले कर सके, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके और अपने इलाके या मुल्क का नाम रोशन करते हुए अपनी एक पहचान बनाए। नाजरीन, ऐसी ही एक मिसाल 23 साल रमल इजाज की है जो कि कोहाट की रहने वाली हैं और कोहाट की ये पहली फोटोग्राफर हैं। कोहाट यूनिवर्सिटी से सहाफत में बैचलर्स करने वाली रमल ने पढ़ाई के दौरान ही शादियों की फोटोग्राफी शुरू कर दी थी। रमल बताती हैं कि यह शौक इन्हें अपने वालिद से मिला। इनके वालिद खानदान की तकरीबात में तस्वीरें खींचते थे। रमल बताती हैं, थोड़े ही अरसे बाद जब मेरे भाई ने फोटोग्राफी शुरू कर दी तो मैंने भी अपना ख्वाब पूरा करने की जस्तजू शुरू कर दी। वो बताती हैं, मैंने अपने भाई के कैमरे से फोटोग्राफी शुरू की और अब मेरे पास अपना कैमरा है। रमल 2.5 साल से फोटोग्राफी कर रही है। इस दौरान उन्होंने देखा कि इलाके में कोई लड़की ये काम नहीं कर रही। उन्होंने इस हलाक को पुर किया जिसे इलाके के लोगों ने बहुत सराहा। वहां के कल्चर और सोसाइटी को देखते हुए वहां के लोगों को यह बात अच्छी लगी कि इनके घर की औरतों की तस्वीरें और वीडियो एक औरत ही बना रही है और उसके पास उनका सारा डाटा महफूज है। इन 2.5 सालों में रमल ने कई तकरीबात की कवरेज की। कोहाट जैसे पसमानदा इलाके में एक लड़की होने के नाते रमल ने अपने प्रोफेशनल सफर के दौरान कई मसाइल का सामना किया। रमल के मुताबिक जब वो शादियों की फोटोग्राफी के लिए जाती तो कुछ तकरीबात में मर्द इन्हें हरासा करते और अजीब तबसरे करते, लेकिन इन्हें अपने वालदैन का पूरा एतमाद हासिल था जिसने इनकी हिम्मत को बांधे रखा। अब रमल इजाज ने पी इम्पैक्ट चैलेंज के जरिए 10 लाख रुपए से अपना स्टूडियो बनाना शुरू किया है और इनके वालिद भी इस काम में इनका हाथ बटा रहे हैं। रमल इजाज कहती हैं कि मेरी वालदा अक्सर मेरे साथ शूट्स पर जाती हैं और इनकी मदद करती हैं और जब वो शूट से वापस आती हैं तो इनके वालिद परजोश होकर इनसे पूछते हैं कि शूटिंग कैसी रही। और रमल को यह बात बहुत पसंद है कि वालदैन इनके काम और तरक्की में इतनी दिलचस्पी लेते हैं और आगे बढ़ने में इनकी मदद करते हैं। रमल को सहाफत का भी शौक है। जब वो शादियों की फोटोग्राफी नहीं कर रही होती तो वो खबरें और कहानियां ढूंढकर इनके बारे में फ्रीलांस रिपोर्टिंग, वीडियोस और फोटो जर्नलिज्म करती हैं। आजकल रमल नस्ट यूनिवर्सिटी से एमफिल कर रही हैं। वो इस्लामाबाद और कोहाट के दरमियान ना सिर्फ अपना काम कर रही हैं बल्कि पढ़ाई और घर वालों की जिम्मेदारी भी निभा रही हैं। रमल कहती हैं, कभी कभी इनको कोहाट और इस्लामाबाद में सब अकेले मैनेज करना मुश्किल लगता है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं है। इनका मजीद कहना है कि एमफिल करने के बाद वो वापस कोहाट जाना पसंद करेंगी। इनको बड़े शहर में नहीं रहना। मेरा कोहाट से एक अजीब सा जज्बाती लगाव है। मुझे वहाँ के लोगों ने इतना कुछ दिया है, प्यार दिया है। आज मैं अपनी जिंदगी में अगर कुछ हूँ तो वो कोहाट की वजह से हूँ। मैं कोहाट कभी नहीं छोड़ूंगी। जब रमल से पूछा गया कि वो बाकी लड़कियों को क्या पैगाम देंगी तो उन्होंने कहा कि लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। हमारे माशरे में लड़कियों को ज्यादा आगे नहीं जाने दिया जाता, लेकिन इनको सही वक्त का इंतजार नहीं करना चाहिए और थोड़ी थोड़ी कोशिश करते रहना चाहिए। एक दिन मेहनत रंग लाएगी इंशाल्लाह।